Om Shri Paramatmane Namaha Athashtamodhyayah Avataranika. श्री भगवान ने सातवें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन छह शब्दों का प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंत काल में अपनी प्राप्ति बताई। इसको सुनकर इन छह शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन आठवें अध्याय के आरंभ के ही श्लोकों में कुल सात प्रश्न करते हैं। किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। पहला और दूसरा श्लोक। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, नियतात्मा मनुष्यों के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। व्याख्या। पुरुषोत्तम किम तद् ब्रह्म। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अर्थात ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए। किम अध्यात्मम, अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। किं कर्म, कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है। अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन, इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए, वह अधियज्ञ इस देह में कैसे है। मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं। संबंध। अब भगवान आगे के दो श्लोकों में अर्जुन के छह प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संविदः। तीसरा श्लोक। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है और जीव का अपना जो होनापन है उसको अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों का उद्भव करने वाला जो त्याग है उसकी कर्म संज्ञा है। व्याख्या। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि, सच्चिदानंद घन, अविनाशी, निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। स्वभावोध्यात्म मुच्यते, अपने भाव अर्थात होनापन का नाम स्वभाव है। सो भाव स्वभाव, इसी स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है, अर्थात जीव मात्र के होनेपन का नाम अध्यात्म है। ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का यानी स्वरूप का वाचक है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर संगीत। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव
अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। 14वें अध्याय में आया है, परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उनमें जीव रूप से भगवान का अंश है। ममैव अंशो जीव लोके। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं, अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है, प्रत्युत जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार हैं, वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तब भगवान का संकल्प होता है। जैसे कर्म करते करते थकावट होती है तो कर्तृत्वाभिमान कर्म फलाशक्ति और संचित कर्मों के ज्यों के त्यों रहते हुए ही प्राणियों को नींद आ जाती है। नींद में विश्राम पाने से थकावट दूर होती है और कर्म करने के लिए शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में ताजगी आती है, सामर्थ्य आती है। इस रीति से प्राणी कर्तृत्वाभिमान कर्म फलाशक्ति और संचित कर्मों के सहित प्रलय में सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन लीन हुए प्राणियों के संचित कर्म विश्राम पाकर परिपक्व होकर अर्थात प्रारब्ध रूप होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। तब भगवान का संकल्प होता है और उस संकल्प से प्राणियों का जन्मारंभक कर्मों के साथ विशेषता से संबंध जुड़ जाने का नाम ही कर्म है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान में मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं यह संकल्प होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है। अरिभूतं चरो भाव पुरुषाश्चादि दैवतं अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। 4वां श्लोक। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं, पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी अधिदेव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। व्याख्या। अधिभूतम क्षरो भाव, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील
और नाशमान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम, यहाँ अधिदैवत अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। अधि यज्ञो हमेवात्र देहे देह भृताम वर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधि यज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। टिप्पणी, यहाँ इस मनुष्य शरीर में कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। अन्य शरीरों में अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रहते हुए भी उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है और मनुष्य शरीर में जो विवेक प्राप्त है वह विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। भगवान ने गीता में हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। अहमेव अत्र देहे। टिप्पणी, दूसरे श्लोक में तो अत्र पद प्रकरण के लिए आया है तथा अस्मिन पद देह के लिए आया है, पर यहाँ अत्र पद देह के लिए ही आया है। कारण कि अर्जुन ने प्रश्न में अत्र पद देकर प्रकरण का संकेत कर दिया है, इसलिए अब उसका उत्तर देते हुए प्रकरण के लिए अत्र पद देने की जरूरत नहीं है। अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। कर्मों की प्रेरणा भगवान मनुष्य के स्वभाव के अनुसार करते हैं। यदि स्वभाव में राग द्वेष है तो उस राग द्वेष के वशीभूत होना अथवा न होना मनुष्य के हाथ में है। वह शास्त्र, संत तथा भगवान का आश्रय लेकर अपने स्वभाव को बदल सकता है। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, और जहाँ वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता उसके कर्म बंधन कारक होते हैं। कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको 18वें अध्याय में सहज स्वभाव नियत कर्म नाम से कहा गया है। यहाँ अर्जुन के लिए देह भृताम वर कहने का तात्पर्य यह है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का वर्णन हुआ है उसे समझने मात्र के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहाँ परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जल कण रहते हैं उनके मिलने से बूंदें बन जाती हैं। उन बूंदों में जब ठंडक के संयोग से घनता आ जाती है तब वे ही बूंदें ओले बर्फ बन जाती हैं। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप हुआ। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है।
अधियज्ञ व्यापक विष्णु भाव रूप से जल है, अधिदेव अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है, अध्यात्म अर्थात अनंत जीव बूंदे रूप से जल है, कर्म अर्थात सृष्टि रचना रूप कर्म वर्षा की क्रिया है, और अधिभूत अर्थात भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जल है। इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदे और ओले बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न दिखता है, पर वास्तव में है एक ही। इसी प्रकार एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। इसी को सातवें अध्याय में समग्रम और वासुदेव सर्वम कहा गया है। तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही है, इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर शरीरी प्रकृति पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य उपासक और त्याज्य इनके छह भेद किए गए हैं। परमात्मा के दो भेद ब्रह्म और अधियज्ञ अर्थात निर्गुण और सगुण। जीव के दो भेद अध्यात्म और अधिदेव अर्थात सामान्य जीव जो कि बद्ध हैं और कारक पुरुष जो कि मुक्त हैं। संसार के दो भेद कर्म और अधिभूत अर्थात जो कि परिवर्तन का पुंज है और जो कि पदार्थ हैं। विशेष बात पहली, सब संसार में परमात्मा व्याप्त हैं। मया ततमिदं सर्वम् येन सर्वमिदं ततम्, सब संसार परमात्मा में है। मयी सर्वमिदं प्रोतम्, सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम्, सब संसार परमात्मा का है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम्। इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन आते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, प्रत्युत सदा अशांति और दुख ही मिलता रहता है, ऐसा मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। सदा रहने वाली शांति और अनंत सुख मिले जिसमें अशांति और दुख का लेश भी न हो, ऐसा विचार करने वाले साधक होते हैं। परंतु जो संसार में ही रहना चाहते हैं, संसार से ही सुख लेना चाहते हैं, सांसारिक संग्रह और भोगों में ही लगे रहना चाहते हैं और संसार के सुख दुख को भोगते रहते हैं, वे साधक नहीं होते, प्रत्युत संसारी होते हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप हैं, वहां दुख का लेश भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है। अब विचार यह करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को वह केवल मानता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, इसको मानकर साधक साधन करता है। उस साधन में जब तक संसार की मुक्तता रहती है तब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। साधन करते करते ज्यों ज्यों परमात्मा की धारणा मान्यता मुख्य होती चली जाती है, क्यों ही त्यों संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में जो है रूप से दिखता है वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान हैं।
तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है तब सत्य स्वरूप से सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही होती थी और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती थी। तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है। दूसरी विशेष बात, सत और असत सब परमात्मा ही है। सद सच्चाहम, परमात्मा न सत कहे जा सकते हैं और न असत कहे जा सकते हैं। न सत तन्ना सदुच्यते, परमात्मा सत भी है असत भी है और सत असत दोनों से परे भी हैं। सद असत तत् परम यत्। इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं, अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है, उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते, अर्थात वह तत्व इंद्रियां, मन और बुद्धि की परिधि में नहीं आता। हाँ, इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं, साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान, अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान होता है और एक हृदय प्रधान होता है। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है तथा श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं, अतः किसी भी तरह के साधक में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधन में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है, परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो तो साधक को उस साधन में कठिनता पड़ती है। रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि सगुण साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह कहता है कि परमात्म तत्व न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। जो सगुण साकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से परे भी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि चिन्मय तत्व तो हरदम ज्यों का त्यों ही रहता है और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है।
परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रधान साधक तो सम शांत सतघन चितघन आनंद घन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त होता है, पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। संबंध। दूसरे श्लोक में अर्जुन का सातवां प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान आगे के पांचवें श्लोक में देते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याख्या। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। यहाँ च अव्यय का अर्थ अपि अर्थात भी है। अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा यह मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मामेव स्मरण कहने का तात्पर्य है कि सुनने समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा समग्र रूप है, अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंतकाल में भी मेरा ही चिंतन होगा। अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंतकाल में उसको जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। मद्भावम कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज तथा नाम लीला धाम रूप आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है, अंत समय के स्मरण के अनुसार वह मेरे उसी भाव को प्राप्त होता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते हैं, परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवशात भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंत काल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसी ही गति होती है, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम लीला धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है, अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद्भाव भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है, परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्व रज तम अलग अलग हैं, अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके
शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है। इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक यह विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन्न व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही भाव रहे हों, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंत काल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंत काल में भी तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। अतः हरेक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली न जाने दे, क्योंकि अंत काल का पता नहीं है कि कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंत काल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में, महीनों में, वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल ही रही है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं, झटका दिया कि खत्म। ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। भगवान की उपर्युक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए। जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवान नाम में उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनाना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो, उसकी याद दिलानी चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहाँ यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहाँ भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भाग कर यमराज के पास में गए तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ भगवान नाम का जप, कीर्तन, कथा आदि होते हों, वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है। एवं विमृश्य सुदियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् तेमेन दण्डमर्हन्त्यत यद्यमीषाम् स्यात् पातकम् तदपि हन्त्युर्गायवादः। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। क्षम्यताम स भगवान पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचितांजलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। अंत काल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए, अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विश्वरूप परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से
मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती। प्रत्युत केवल भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है, इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधना नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं, तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुनाए, पद गाए, तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सदगति का विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है ही। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाएं, तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्षदायिका। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहां के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंत काल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपए आदि की आशा ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। एक बार एक सज्जन गंगा जी से होकर आए थे और सबको गंगा जल का आचमन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, उसको जब वे आचमन देने लगे तो उसने कहा, मेरे पाप बहुत हैं, मेरी जानकारी में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इतने थोड़े गंगा जल से मेरे पाप कैसे कट जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा? तो उससे पूछा, कितना चाहिए? उसने कहा, लोटा भर दो। उस सज्जन ने उसे लोटा भर गंगा जल दे दिया। उसने उस लोटा भर गंगा जल को पी लिया और कहा, अब मेरे पाप नहीं रहेंगे। यह सब घटना वहां के एक भाई ने सुनी थी। बाद में उस भाई ने बताया कि वह व्यक्ति जब मरा तब उसके प्राण 10वें द्वार को फोड़ कर निकले, अर्थात उसका कल्याण हो गया। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए इस भाव से उसको भगवान नाम सुनाता है, तो उस भगवान नाम के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणासन्न व्यक्ति को देख लें, अथवा उसके मृत शरीर को यानी मुर्दे को देख लें, अथवा उसकी चिता के धुएं को देख लें, अथवा चिता की भस्म को देख लें, तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। महापातक युक्तावा युक्तावा चोपपातक परम पदम प्रयान्त्येव महद्धीरवलोकितः कलेवरम वा तद भस्म तद्धूमं वापि सत्तम यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति पराम गतिम। मार्मिक बात। इस अध्याय के तीसरे चौथे श्लोकों में ब्रह्म, अध्यात्म आदि जिन 6 बातों का वर्णन किया गया है, उसका तात्पर्य समग्र रूप से है, और समग्र रूप का तात्पर्य है वासुदेवः सर्वम्, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है, उसके लिए अंत काल के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती, कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिए अंतकाल में भगवान का चिंतन करें यह कहना ही नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्य को मैं हूँ
इस अपने होनेपन का किंचन मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन रात्रि, प्रातः सायं आदि किसी भी काल में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, रुग्णता, निरोगता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। उपर्युक्त महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हों, चाहे सगुण के उपासक हों अथवा निर्गुण के उपासक हों, चाहे राम, कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हों, भगवान के किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम आदि की श्रद्धा प्रेम पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हों, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप, नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का ही स्मरण है। साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान है ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं, इस संस्कार से अंत समय की पीड़ा के समय, दुख के समय भगवान की याद आ सकती है। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाएं, तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दे, उसको भगवान नाम सुना दे, भगवान की लीला कथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से वह स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंत काल में भगवत स्मरण की बात कही जाती है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। तत्व में अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं, इसे भगवान आगे के छठे श्लोक में बताते हैं। याम याम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम् तान्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। व्याख्या। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी ही। परम दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियम में ही अपने को शामिल कर दिया है। भगवान की दया की यह कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाएं। सदा तद्भाव भावितः का तात्पर्य है कि अंत काल में जिस भाव का, जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है, अर्थात अंत काल का चिंतन स्मरण वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंत काल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है, कारण कि अंत काल के चिंतन को बदलने के लिए वहां कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है, तथा नया चिंतन करने का
कोई अधिकार भी नहीं है, अतः वह उसी चिंतन को लिए हुए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचन मात्र भी संबंध रहता है, वायु, जल, खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह वहीं पुरुष जाति में प्रविष्ट हो जाता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंत काल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा, प्रत्युत मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा, छिपकली आदि बन जाएगा और धन का चिंतन होने से वह सांप बन जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि अंतकाल के चिंतन का नियम सजीव प्राणी के लिए ही है, निर्जीव जड़ पदार्थों के लिए नहीं। अतः जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्येतर प्राणियों को अर्थात पशु पक्षी आदि को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है। परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं है, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम हैं, जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। विशेष बात एक, दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उसे प्रायः वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है अंतकाल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा जिसके साथ कोई ऋणानुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई न कोई संबंध है पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ लिए अन्न, जल, वायु यानी श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो में वैसा न आ जाए, उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक इसी समय उसकी फोटो खींच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फोटो ले जाना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकोड़े हुए भद्दे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज हुआ कि तुमने फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसी ही फोटो में आ गई, अब तो फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह
अंत काल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसे ही योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। 2. अंतकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता ये दोनों ही भरी हुई हैं। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है। परंतु वास्तव में यह विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं। क्योंकि भगवान परम दयालु और प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं। मनुष्य अंत काल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे मेरा यानी भगवान का स्मरण करे, चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए यह भगवान का न्याय है। जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए, यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। संबंध, जब अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है तो फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय आगे के 7वें श्लोक में बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मरयोऽद्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामेवैष्यस्य संशयम्। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। व्याख्या, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध्य च। यहाँ सर्वेषु कालेषु पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है, कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। यह बात सबके अनुभव की है, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का और यह समय जगने का है, यह समय नित्य कर्म का है, यह समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। युद्ध च कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदृच्छया चोपपन्नम, ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मर का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना
स्वाभाविक हुआ। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मैं अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियां, शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश हैं, अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे, फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वह भगवान से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं, इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है। अर्थात इसको सभी दर्शनकार मानते हैं। इन दर्शनकारों में जो ईश्वरवादी हैं, वे सभी उन प्राकृत पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि से वे उनको अपने नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर के ही मानकर ईश्वर के अर्पण कर दें तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। मामे वैश्यस्य संशयम्, मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूँ। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है। अगर तू मन बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मरण संबंधी विशेष बात। स्मरण तीन तरह का होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़े तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है। क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का विस्तार इस तरह है। पहला, बोधजन्य स्मरण। अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन है, तू मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्ग महासर्ग और प्रलय महाप्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर नष्ट होता है। इसमें वही यह प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न हो होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दें तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है।
यह बोध जन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। दूसरा, संबंध जन्य स्मरण। जिसको हम स्वयं मान लेते हैं वह संबंध जन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है, यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं, हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो हमारे हैं, हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं, हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है, फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। तीसरा, क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यास जन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रख कर चलती हैं, तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं। परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यास जन्य स्मरण है। इस अभ्यास जन्य स्मरण के भी तीन प्रकार हैं। पहला, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। दूसरा, भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और सांसारिक कार्य की गौणता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो यह सावधानी रहती है, और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं, इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। तीसरा, कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहो भाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है यह बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भाव पूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे, इसमें कहना ही क्या है। भगवत संबंधी कार्य दो तरह का होता है। स्वरूप से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण चिंतन पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। दूसरा, भाव से संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ, इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है, इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है, भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है
जिस आश्रम में रखा है उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। सातवें अध्याय के अंत में भगवान ने सात बातें कही थी, उन्हीं सात बातों पर अर्जुन ने आठवें अध्याय के आरंभ में सात प्रश्न किए और यह प्रकरण भी सात ही श्लोकों में समाप्त हुआ। संबंध। पूर्व श्लोक में कही हुई अभ्यास जन्य स्मृति का अब आगे के आठवें श्लोक में वर्णन करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमां पुरुषां दिव्यां याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। सातवें अध्याय के 28वें श्लोक में जो सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ था उसी को यहाँ 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अभ्यास योग युक्तेना, इस पद में अभ्यास और योग ये दो शब्द आए हैं। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है पर अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न हो। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जाए तो भी उनको महत्व न दे, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है। ऐसे योग से युक्त चित्त हो। चेत सा नान्यगामिना, चित्त अन्यगामी न हो अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। संबंध। अब 9वें श्लोक में भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कवि पुराण मनोशासितार मनोरणीयान् स मनोस्मरेभ्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप मानेभ्य वर्णान् तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ पुराण शासन करने वाला सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। व्याख्या। कविम संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। पुराणम वे परमात्मा सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। अनुशासितारम हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं। नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है। मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है तथा अहम के ऊपर भी जो शासन करता है जो सबका आश्रय प्रकाशक और प्रेरक है वह परमात्मा अनुशासिता है। दूसरा भाव यह है कि जीवों का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा वेद शास्त्र गुरु संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और मनुष्यों के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उन मनुष्यों को शुद्ध निर्मल बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्यों के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का फल देकर नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता है। अणोरणीयांसम परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते
मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते, फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे हैं। अतः वे परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हैं, अर्थात सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। सर्वस्य धातारम्, परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः वे परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले कहे जाते हैं। तमसः परस्तात्, परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित हैं, उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे अज्ञान के भी प्रकाशक हैं। आदित्य वर्णम, उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात वे सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं, उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। अचिंत्य रूपम, उन परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। अनुस्मरेत, सर्वज्ञ अनादि सबके शासक परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए यह अनुस्मरेत पद आया है। यह अनुस्मरेत कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं, अर्थात उन परमात्मा को सबका स्मरण है। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद कर ले। यह शंका होती है कि जो अचिंत्य है उसका स्मरण कैसे करें? इसका समाधान है कि वह परमात्मा तत्व चिंतन में नहीं आता, ऐसी दृढ़ धारणा ही अचिंत्य परमात्मा का चिंतन है। संबंध, अब 10वें श्लोक में अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति बताते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव दुर्मध्ये प्राणमावेश्य साम्याक् सतां परं पुरुषमुपेति दिव्यम्। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। व्याख्या, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। यह भक्ति नाम प्रियता का है, क्योंकि उस तत्व में प्रियता होने से ही यानी आकर्षण होने से ही मन अचल होता है। वह भक्ति अर्थात प्रियता स्वयं से होती है, मन बुद्धि आदि से नहीं। अंतकाल में कवि पुराण अनुशासिता आदि विशेषणों से पीछे के श्लोक में कहे हुए सगुण निराकार परमात्मा में भक्ति युक्त मनुष्य का मन स्थिर हो जाना अर्थात सगुण निराकार स्वरूप में आदर पूर्वक दृढ़ हो जाना ही मन का अचल होना है। पहले प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त किया है उसका नाम योग बल है। उस योग बल के द्वारा दोनों भ्रुवों के मध्य भाग में स्थित जो द्विदल चक्र है उसमें स्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का अच्छी तरह से प्रवेश करके वह शरीर छोड़कर 10वें द्वार से होकर दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम्, पदों का तात्पर्य है कि जिस परमात्मा तत्व का पीछे के 9वें श्लोक में वर्णन हुआ है उसी दिव्य परम सगुण निराकार परमात्मा को वह प्राप्त हो जाता है। 8वें श्लोक में जो बात कही गई थी उसी को 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से कहकर इन 3 श्लोकों के प्रकरण का उपसंहार किया गया है। इस प्रकरण में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन है। इस उपासना में अभ्यास की आवश्यकता है। प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। यह अभ्यास अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, अपितु केवल परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए है। ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों और मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर ले कि जब चाहे प्राणों को रोक ले और मन को जब चाहे तभी
तथा जहाँ चाहे वहीं लगा ले। जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है वही अंतकाल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट कर सकता है। कारण कि जब अभ्यास काल में भी मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने में साधक को कठिनता का असमर्थता का अनुभव होता है, तब अंतकाल जैसे कठिन समय में मन को लगाना साधारण आदमी का काम नहीं है। जिसके पास पहले से योग बल है वही अंत समय में मन को परमात्मा में लगा सकता है और प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा सकता है। साधक पहले यह निश्चय कर ले कि अज्ञान से अत्यंत परे सबसे अतीत जो परमात्मा तत्व है वह सबका प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला निर्विकार तत्व है। उस तत्व में ही प्रियता होनी चाहिए, मन का आकर्षण होना चाहिए, फिर उसमें स्वाभाविक मन लगेगा। संबंध। अब भगवान आगे के 11वें श्लोक में निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय का उपक्रम करते हैं। यदक्षरं वेदविरोवदन्ति विशन्ति यद्यतयोगितरागः यदेच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। व्याख्या। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ था उसी को यहाँ 11वें 12वें और 13वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। वेदों को जानने वाले पुरुष जिसको अक्षर निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सर्वदा एक रूप एक रस रहता है, और जिसको इसी अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परमम कहा गया है, उसी निर्गुण निराकार तत्व का यहाँ अक्षर नाम से वर्णन हुआ है। विशन्ति यद यतयो वीतरागः। जिनके अंतःकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया है, अतः जिनका अंतःकरण महान निर्मल है और जिनके हृदय में सर्वोपरि अद्वितीय परम तत्व को पाने की उत्कट लगन लगी है, ऐसे प्रयत्नशील यति महापुरुष उस तत्व में प्रवेश करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। जिनका उद्देश्य केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति का है, परमात्मा प्राप्ति के सिवाय जिनका और कोई ध्येय है ही नहीं, और जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रख कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों का संयम करते हैं, अर्थात किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है उस पद को अर्थात तत्व को मैं तेरे लिए संक्षेप से और अच्छी तरह से कहूंगा। संक्षेप से कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों में जिस तत्व को सर्वोपरि विलक्षण बताया गया है, हरेक आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी जिसकी महिमा बताई गई है वह पद तत्व किस तरह से प्राप्त होता है इस बात को मैं कहूंगा। अच्छी तरह से कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म की उपासना करने वाले जिस तरह से उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा। संबंध। अंत काल में उस निर्गुण निराकार तत्व के प्राप्ति की फल सहित विधि बताने के लिए आगे 12वां और 13वां दो श्लोक कहते हैं। सर्वधाराणि संयम्या मनो हृदि निरुज्य च मूर्ध्न्याघायात्मनः प्राण मास्तितो योगधारणाम् ॐ एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयातेत्यजं देहं प्रयाति परमां गतिम्। इंद्रियों के
संपूर्ण द्वारों को रोक कर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। व्याख्या सर्वद्वाराणि संयम्य। अंत समय में संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों विषयों से श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और नासिका इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा बोलना ग्रहण करना गमन करना मूत्र त्याग और मल त्याग इन पांचों क्रियाओं से वाणी हाथ चरण उपस्थ और गुदा इन पांचों कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा ले इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। मनो हृदि निरुद्ध्य च। मन का हृदय में ही निरोध कर ले अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने दे इससे मन अपने स्थान में रहेगा अर्थात हृदय में रहेगा। मूर्धन्याधायात मनः प्राणम्। प्राणों को मस्तक में धारण कर ले अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके दसवें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक ले। आस्थितो योग धारणम्। इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना मन से भी संकल्प विकल्प न करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित होना है। ओम इत्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म ओम प्रणव का मानसिक उच्चारण करें और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करें जिसका वर्णन इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में हुआ है। समग्र रूप का प्रकरण होने से यहाँ माम शब्द से निर्गुण निराकार का चिंतन लिया गया है। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। उपर्युक्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है अर्थात दसवें द्वार से प्राणों को छोड़ता है वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। संबंध जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान आगे के 14वें श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं। अनन्य चेता सततम् यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययोगस्य योगिनः। हे प्रथानंदन अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। व्याख्या सातवें अध्याय के तीसवें श्लोक में जो सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था उसी को यहाँ 14वें 15वें और 16वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अनन्य चेता जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी नहीं जाता जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है महत्व नहीं है वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। यहाँ अनन्य चेता पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप हैं
उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूँ, ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेता हो जाता है। सततम यो माम स्मरति नित्यशः, सततम का अर्थ होता है निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है, और नित्यशः का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय वैश्य आदि नहीं हूँ, वह अपने ब्राह्मण पने को याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मण पने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं, ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं। परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया गया। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसे विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से प्राणों को ब्रुवों के मध्य में स्थापित कर सकें अथवा मूर्धा में यानी दशम द्वार में लगा सकें, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी जरूरत नहीं है, अतः इसमें अंतकाल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने, फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती, कारण कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है, इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। संबंध। अब दो श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। 15वां श्लोक। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। व्याख्या। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम्।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। महामुपेत्य का तात्पर्य है कि भगवान के दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात है, वहाँ जन्म काल में जेल से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है, कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उनकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों जागकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है तथा पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, दाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि कई आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है, अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है, सुख से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है, उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं, रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती, मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुख कहाँ तक कहें, उनका कोई अंत नहीं। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है, उनको शीत, घाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में और 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म शरीर निरंतर नहीं रहता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है, कहीं किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीर का भी अंत हो जाता है। 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मौत का रास्ता कहा है, मृत्यु संसार वर्तमानी। मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, यहाँ भगवान को इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत ये दो विशेषण क्यों दिए गए? ये दो विशेषण देने से यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म का अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। संतों ने कहा है, परित्राणाय साधूनां सेवां कर्तुं च दुष्कृतां धर्म संपालनार्थाय संभवन्ति कलौयुगे। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में भी वे भक्तजन पृथ्वी पर ग्वाल बालों की तरह जन्म ले सकते हैं, परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता प्रत्युत भगवद इच्छा से होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं
उनको भी महात्मा कहा है और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। तात्पर्य है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अनुरूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवान निष्ठ होते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। संसिद्धिम परमाम गतः, यहाँ सिद्धि शब्द के साथ सम उपसर्ग और परमाम विशेषण देने का तात्पर्य है कि इससे बढ़कर कोई भी सिद्धि नहीं है, कारण कि जीव भगवान का अंश है और जब वह सर्वथा भगवान के समर्पित हो जाता है तब कोई भी सिद्धि बाकी नहीं रहती। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है, उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है, इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। विशेष बात, गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्ततम कहा है, सबसे श्रेष्ठ कहा है और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीन भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है, परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर, भगवान, परमात्मा सर्वोपरि हैं, ऐसी मान्यता नहीं है, उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना है। आ ब्रह्म भुवनां लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या। आ ब्रह्म भुवनां लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। आ ब्रह्म भुवनात् पद में जो आ शब्द आया है उसके दो अर्थ होते हैं। एक अभिविधि, जैसे ब्रह्मलोक को लेकर सभी लोक अर्थात ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के सभी लोक। दूसरा मर्यादा, जैसे ब्रह्मलोक को छोड़कर नीचे के सभी लोक अर्थात ब्रह्मलोक से नीचे के सभी लोक। यहाँ आ शब्द अभिविधि अर्थ में आया है। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने लोक हैं, जितनी सुख भोग भूमियां हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौट कर आना ही पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुत्र परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, उसकी युवावस्था हो,
तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इन मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाएं तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावर्तिनः का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि संतों भक्तों जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती, वे लौटकर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि संत भक्त आदि के दर्शन संभाषण चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचन मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप से हैं, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहां के लोग भी अधिकारी माने जाएं, तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा और न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ममैवांशः, और जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, वह परमात्मा का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहीं जाना चाहिए, यानी परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौट कर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु यानी चद्दर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौट कर वहां आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर परिवार जमीन धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता के कारण यानी अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौट कर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहा नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता वासना के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है, उसको लौट कर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। कारणं गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। अर्थात जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसको लौट कर संसार में आना ही पड़ेगा। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात
मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, कारण कि मैं कालातीत हूँ। अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। यहाँ माम उपेत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौट कर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहां तक का टिकट होता है वहां तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया है वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है, निबंधायासुरी मता। इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। परंतु मेरे शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष देवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि देवी संपत्ति से मोक्ष होता है। देवी संपद विमोक्षाय। विशेष बात, ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं और अंत काल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंतकाल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचन मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, इसका उत्तर भगवान ने पांचवें श्लोक में दिया। फिर छठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और सातवें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस सातवें श्लोक से चौदहवें श्लोक का संबंध है। बीच में आठवें से तेरहवें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बात प्रसंग से आ गई है। आठवें से सोलहवें श्लोक तक के नौ श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, वे ही समग्र परमात्मा है, उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। संबंध, ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौट कर आते हैं, इसका कारण आगे के सत्रहवें श्लोक में बताते हैं। सहस्र योग पर्यंत महार्यात् ब्राह्मणो विदु रात्रे युग सहस्रांताम् ते हो रात्र विदो जनाः। जो मनुष्य ब्रह्मा के सहस्र चतुर्युगी पर्यंत एक दिन को और सहस्र चतुर्युगी पर्यंत एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। व्याख्या, सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम् ते हो रात्र विदो जनः। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, मृत्यु लोक के इन चार युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं।
ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। टिप्पणी, अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। दो परमाणुओं का एक अणु और तीन अणुओं का एक त्रस रेणु होता है। झरोखे से आई सूर्य की किरणों में त्रस रेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव और 3 लवों का एक निमेश और 3 निमेशों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्यों के एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है, अर्थात मनुष्यों का 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है, अर्थात मनुष्यों के सत्ययुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कली के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है, अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अर्थात मनुष्यों के 4,32,00,000,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं, वे भी संयोग जन्य होने से दुखों के ही कारण हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगः दुख यो नय एवते, और काल की अवधि वाले हैं। केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचन मात्र भी महत्व नहीं देते। संबंध, ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवान्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। 18वां श्लोक। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। व्याख्या, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्तयः और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्तयः कहा गया है। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और
नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो स्वर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है, जिस समय ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। भूत ग्राम स एवायाम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। 19वां श्लोक। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। व्याख्या। भूतगामः स एवायम्। अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंध ही तो नहीं रहते, अर्थात सांसारिक पदार्थ तो नहीं रहते, पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा पर वह छूट गया, ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा पर वह छूट गई, और तो क्या यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृत पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी न रमते, तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है, परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत स्वरूप है, भूतगामा स एवायम, और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे, यहाँ अवशः कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा
कि मैं इस वस्तु का मालिक हूँ, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश पराधीन। प्राकृत पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा, फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यतीत नहीं होता। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मूल में परवशता प्रकृति जन्य पदार्थों को महत्व देने, उनको स्वीकार करने में ही है। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से कहा गया है। इस प्राणी समुदाय की यह परवशता तभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। इस संयोग जन्य सुख की इच्छा से ही यह पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है, अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। इसको यह जब चाहे तभी छोड़ सकता है। संबंध। अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के 20वें श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नाशात्सु न विनाश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अन्य अनादि सर्वश्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त है, उसका संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता। व्याख्या। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के लोकों को पुनरावर्ती कहा गया है, परंतु परमात्म तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है, यह बताने के लिए यहाँ तू पद दिया गया है। यहाँ अव्यक्तात् पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोकों में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से यानी समष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर से यानी मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है, अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में भी अव्यक्तोक्षर आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है, अव्यक्त आदीनि भूतानि। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है, अव्यक्तमेव च। उन सब से परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। वह भाव रूप है अर्थात
किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु नश्यति। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी, उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। न विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्म तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। संबंध। अभी तक जो परमात्मा विषयक वर्णन हुआ है उस सब की एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के दो श्लोकों में करते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमां गतिं यां प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमां मम। 21वां श्लोक। उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है और उसी को परम गति कहा गया है, तथा जिसको प्राप्त होने पर फिर लौट कर नहीं आते वह मेरा परम धाम है। व्याख्या। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस तमाहुः परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में जिसको माम कहा है, तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म, 4थे श्लोक में अधियज्ञः, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परमं पुरुषं दिव्यं, 9वें श्लोक में कविं पुराण मनुषाश्रितारम् आदि, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्तः और सनातनः कहा है। उन सबकी एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं, तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर नहीं आते वह मेरा परम धाम है, अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म, अविनाशी, अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोक प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं, परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया
यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 22वां श्लोक। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। व्याख्या। यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निषेध रूप से कहा कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। यहाँ भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के 4थे, 5वें और 6ठे श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूपों से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त हैं, अर्थात वे परमात्मा सब जगह हैं, सब समय में हैं, संपूर्ण वस्तुओं में हैं, संपूर्ण क्रियाओं में हैं और संपूर्ण प्राणियों में हैं। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहनों के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा, परंतु सोने से बने गहनों के नाम, रूप, आकृति, उपयोग, तौल, मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही हैं और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे, परंतु संसार को 5 भौतिक, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुषः स परः कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यामन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे, तो यह उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने, यह बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है, यह बात जंची हुई है। वास्तव में तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के रूप में एक परमात्म तत्व ही है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ संसार दिखता है, वह सब केवल परमात्म तत्व ही है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं, इसलिए उसकी खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती हैं। विशेष बात, आप अंत काल में कैसे जानने में आते हैं? यह अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है। कारण कि भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन में भगवान की विलक्षणता को जानने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्तर में भगवान ने अंत काल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात बताकर अर्जुन को सब समय में भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी। उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की प्राप्ति के लिए क्रमशः 3-3 श्लोक कहे। उनमें भी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति में प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कठिनता बताई और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर
उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। 16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। उनमें भी पहले के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई और आगे के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता बताई। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से यानी प्रकृति से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है। उपासनाओं की जितनी गतियां हैं वे सब मेरे स्वरूप के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा वह मेरा सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होने से अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की न तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूप की तरफ ही रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के लोक से मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्मा जी के स्वरूप से मेरा स्वरूप विलक्षण है और ब्रह्म लोक की गति से मेरे लोक की गति विलक्षण है अर्थात मेरे धाम की गति विलक्षण है। तात्पर्य है कि सब प्राणियों का अंतिम ध्येय मैं ही हूँ और सब मेरे ही अंतर्गत हैं। संबंध 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक को प्राप्त होने वाले लौट कर आते हैं और मेरे को प्राप्त होने वाले लौट कर नहीं आते। परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं यह बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के 23वें श्लोक में उपक्रम करते हैं। यत्र काले त्वनावृते मावृतिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। व्याख्या। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं अर्थात जिनको यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं वे फिर लौट कर आते हैं इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सद्यो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। ऊर्ध्व गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और श्रुति शब्दों से कहा गया है। अनावृत्ति मावृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं वे अनावृत ज्ञान वाले हैं अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ नहीं है प्रत्युत जागृत है। इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं वे आवृत ज्ञान वाले हैं अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है। इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौट कर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है।
जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंत काल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोकों को यानी भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहां से लौट कर आती हैं। ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है। यहाँ योगिनः पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। संबंध। अब 24वें श्लोक में उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का अर्थात लौट कर न आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। अग्नेर ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक रहता है और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं, तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्म विदह पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है, अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होते तो यहाँ ही मुक्त हो जाते, अर्थात सद्यो मुक्त या जीवन मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्म लोक में जाना नहीं पड़ता। संबंध। अब आगे के 25वें श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौट कर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। धूमो रात्रे तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगे प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। व्याख्या। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है।
वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसम ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहाँ रहकर अर्थात भोग भोग कर पीछे लौट आता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है, यह चंद्रलोक नहीं है। कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट होती हैं। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है, वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं, उन सब मार्गों से यह कृष्ण मार्ग ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है, और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाले योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है, और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की तीन गतियां बताई हैं, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। इनमें से ऊर्ध्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। दूसरा, जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में जाता है, उसने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में समता हो गई। इस आंशिक समता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है। तीसरा, जिनका उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का है, पर अंत काल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी
जाने का यही कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कह दिया है। भगवान ने पीछे के 24वें श्लोक में ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्म विदो जनाह कहकर बहुवचन का प्रयोग किया है और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वालों के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है, पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग आदि को प्राप्त करने में भी कठिनता है तथा प्राप्त करने के बाद पीछे लौट कर भी आना पड़ता है, इसलिए यहाँ एक वचन दिया गया है। विशेष बात, पहली विशेष बात, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। इनका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में हुआ है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है तथा न ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंतकाल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते, वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, अर्थात जहाँ पूर्व जन्म कृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके, ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है, वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। उपर्युक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा है, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं। जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ के दिव्य भोग भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौट कर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है पर सांसारिक सुख भोग की वासना को वह मिटा नहीं सका, इसलिए अंत काल में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहाँ के भोग भोगता है और फिर लौट कर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहाँ वह जबरदस्ती पूर्व जन्म कृत साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख भोग का है, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहाँ के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा सांसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है उसका बड़ा भारी महात्म्य है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर यहाँ श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। दूसरी विशेष बात, सामान्य मनुष्यों की यह धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती, यह धारणा ठीक नहीं है। कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है, इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे, क्योंकि दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गतियों में जाते हैं, वे चाहे दिन में मरें चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरें चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरें चाहे दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं।
यहाँ एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है तो फिर भीष्म जी ने जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की। इसका समाधान यह है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे, वे देव नामक वसु थे यानी आजान देवता थे जो शाप के कारण मृत्यु लोक में आए थे, अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यही प्रतीक्षा करनी ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा जिससे सभी का हित होगा, वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। संबंध 23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण आरंभ किया था उसका आगे के 26वें श्लोक में उपसंहार करते हैं। शुक्ल कृष्ण गति येते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनागति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादि काल से जगत के साथ संबंध रखने वाली हैं, अर्थात प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। व्याख्या शुक्ल कृष्ण गति येते जगतः शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है, कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही ऊर्ध्व गति मध्य गति और अधो गति होती है। अब वे ऊर्ध्व गति को प्राप्त करें अथवा न करें पर उन सब का संबंध ऊर्ध्व गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण गति के साथ है ही। तक मनुष्यों के भीतर असत वस्तुओं का आदर है, विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी ऊर्ध्व गति हो सकती है। इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं, अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। 4वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा है। जैसे योग अव्यय है ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियां भी अव्यय शाश्वत हैं, अर्थात ये दोनों गतियां निरंतर रहने वाली हैं, अनादि काल से हैं और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेंगी। एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। संबंध। अब भगवान दोनों मार्गों को जानने का महात्म्य बताने के लिए आगे का 27वां श्लोक कहते हैं। नैते श्रेते पार्थ जानन योगी मोह्यते कश्चना
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे प्रसादनंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अतः हे अर्जुन तू सब समय में योग युक्त हो जा। व्याख्या। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। जिनके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी हैं, अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है। जो संसार में रचे पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में हैं ही, पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं, तो भी आने जाने वाले मार्ग में यानी जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही हैं। तात्पर्य है कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे कोल्हू के बैल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है, वह योगी कहलाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता, अर्थात उसकी जो साधना है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है, इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर उनसे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए योग युक्त हो जा। अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रह। संबंध। अब आगे के 28वें श्लोक में भगवान योगी की महिमा का वर्णन करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदेशं पतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं सानमुपैति चाज्ञम्। योगी इस शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को जानकर वेदों में यज्ञों में तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्ग आदि भोग भूमियों का हो उसकी नश्वरता में किंचन मात्र भी फर्क नहीं है। जीव
स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य 23वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक वर्णित शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ तप दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है वहां जाने पर भी लौट कर पीछे आना पड़ता है परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौट कर नहीं आना पड़ता। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं तो फिर वह नाशवान पदार्थों में भोगों में न फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। जिसको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में परम गति और परम धाम नाम से कहा गया है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। न जानने की यह असामर्थ्य न तो भगवान की दी हुई है न प्रकृति से पैदा हुई है और न किसी कर्म का फल ही है। अर्थात यह असामर्थ्य किसी की देन नहीं है किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्म तत्व से विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसलिए यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है निर्बल नहीं है अपात्र नहीं है। केवल संयोग जन्य सुख की लोलुपता के कारण यह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोग जन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। छठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योगी की महिमा कही और पीछे अर्जुन को योगी हो जाने की आज्ञा दी और यहाँ भगवान ने पहले अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। इसका तात्पर्य है कि छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है और उसके विषय में अर्जुन के मन में संदेह था कि वह कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए योगी की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन के लिए योगी होने की आज्ञा दी। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसलिए पहले तू योगी हो जा ऐसी आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत् सत् इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अक्षर और ब्रह्म शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार सगुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों स्वरूपों के वाचक हैं। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा के साथ योग हो जाता है अर्थात संबंध हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। 8वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथाष्टमोध्याय के 3 अर्जुन उवाच आदि पदों के 4 श्लोकों के 377 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस